हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। हम कोई पैटर्न या ट्यूटोरियल नहीं डिस्कस करेंगे, मगर जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, ये एक छोटा सा एक प्रोडक्ट का रिव्यू है। तो मेरे पास जो दो तीन जो हुक थे वो मिस हो गए थे, तो इसीलिए मैंने ये नया सेट खरीदा है। तो इसमें पूरा सेट है, तो ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा था और इसका प्राइस नियरली 530 है। तो इसको हम देखेंगे कैसा है। एक और बात, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये ऐसे आया है, एक बॉक्स है और उसके ऊपर ये बड़ा हुक्स है। मतलब ये पूरा एक सेट में नहीं है, इसको आप इसको सेपरेट पैक किया है। तो हम इसको देखेंगे पहले। ये बड़ा हुक सेट है, तो इसमें 8 है, 8 बड़े हुक्स हैं। तो बड़े से हुक है, तो ये मुझे लगता है 2.5 से स्टार्ट होता है। देखिए 2.5 का है ये, 3, फिर यहाँ 3.5, फिर 4.5 और 5, ये है 5.5 और 6 mm। ऐसे 8 साइज के हुक्स है, ये बड़ा वाला सेट है। अब बॉक्स के अंदर क्या क्या है देखेंगे। तो बॉक्स में ये क्रूकड नीडल करके है। मैं स्विंग ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो मुझे पता नहीं है क्या है। अगर आपको पता है इसे क्या करते हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए। तो ये एक सेट है। उसके बाद ये मेरे पास एक सिसर्स है, तो ये सिसर्स का एक पैकेट है जिससे हम धागा कट कर सकते हैं। तो ये एक है, फिर एक मेजरिंग टेप है। उसके बाद हमारे पास ये दो रो काउंटर्स है, एक बड़ा और एक छोटा। तो इसमें ऐसे अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको रो करेक्ट चाहिए, जैसे 50 या उससे ऊपर का चाहिए और आपको काउंट करना है, तो जब भी आपका एक रो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप इसको ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है हमारा हम कौन से रो में हैं। जब एक ख़त्म हो जाएगा इसको ऐसे टर्न कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा टाइट है। एक बड़ा है और एक छोटा है। ये मैंने टर्न करने की कोशिश की, बहुत ही टाइट आ रहा है, देखते हैं यूज़ होगा कि नहीं। तो ये रो काउंटर्स है। उसके बाद दो साइज़ के वो जो एम्ब्रॉयडरी नीडल या डार्निंग नीडल जिसे कहते हैं, जो वूल अंदर लाने में, देखिए इसका आंख बहुत अच्छा बड़ा है, तो इससे बहुत आसानी से हम धागा डाल सकते हैं। तो ये दो साइज में है, बड़ा और छोटा, ये हो गया। उसके बाद एक एक थिम्बल है, ये मुझे लगता है मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये नीडल प्रोटेक्टर है जो आप अपने उंगलियों में डाल सकते हैं। उसके सॉरी नीडल प्रोटेक्टर नहीं है, फिंगर प्रोटेक्शन है। और उसके बाद ये नीडल प्रोटेक्टर है, नीडल का पॉइंट जब भी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 4 नीडल प्रोटेक्टर है, दो साइज में, दो बड़े और दो छोटे। तो ये नीडल प्रोटेक्टर हो गया। उसके बाद ये स्टिच मार्कर्स हैं। मैं स्टिच मार्कर की जगह सेफ्टी पिन यूज़ करती थी, अब मेरे पास ये प्रॉपर कलर के थोड़े स्टिच मार्कर्स है। ये भी हम स्टिच को मार्क करने के लिए इसको ऐसे क्लोज करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही जब भी आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसको आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये स्टिच मार्क करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत दिया है। और उसके बाद हमारे पास ये छोटे नीडल्स हैं, तो ये भी बहुत सारे साइज में हैं, देख सकते हैं 1.9, 1.2 mm, उसके बाद 1.5, 0.6, 1.6, 1.75 और ये कौन सा है, ये 0.75 का है,
और ये है 1.1 mm का। तो ऐसे 8 पीसेस है। ये जब भी आप नीडल का कुछ काम, सॉरी फाइन थ्रेड का, जैसे लेस या एडजिंग सब करते हैं, छोटा सा बहुत माइन्यूट वर्क्स, उसके लिए ये बहुत काफ़ी है। ये भी 8 है और ये बड़े नीडल भी 8 है। तो ऐसे ये है पूरा सेट। अब देखते हैं इससे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। मैं डिसएडवांटेज स्टार्ट करूँगी। ये बॉक्स अच्छा है, इसमें से हम देख सकते हैं इसे बॉक्स का डिफरेंट सेक्शन सब दिया है, मगर ये बॉक्स उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। कितने दिन लास्ट करेगा पता नहीं, मगर ठीक है, मगर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है उसका प्लास्टिक। और बाकी सब तो ठीक है, बस ये रो काउंटर मेरा मूव करने में बहुत दिक्कत आ रहा है, मगर मैं उसे ज़्यादा तो यूज़ करने वाली नहीं हूँ। और उसके बाद जो मुझे बहुत जो प्रॉब्लम लगा, मैंने ये किया था, धागा बहुत अच्छे से जाता है इसमें, प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। जो मैं यूज़ करती हूँ वो थोड़ा बड़ा वाला है, देख सकते हैं। ये मेरा पोनी से है, पोनी का कंपनी का है, तो यही मैं यूज़ करती हूँ। और मैं कहूँगी कि ये अच्छा है, मगर किसी एक नीडल में उसका सरफेस उतना स्मूथ नहीं था। तो मुझे हमें चाहिए कि जब भी हम नीडल यूज़ करें तो वो बहुत स्मूथ हो, ताकि धागा बहुत अच्छे से निकल जाए। किसी एक में तो उसका स्मूथ नहीं था, मगर मुझे लगता है अगर हम यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ ये अगर आप बहुत बारीकी का देखेंगे तो इसमें भी एक या दो में वो सरफेस उतना स्मूथ नहीं है जितना हम दूसरे प्रोडक्ट्स में देखते हैं। एक या दो नीडल में ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा था, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा यूज़ किया था, फिर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा एक सेट। तो अगर आप इस सेट को ख़रीदेंगे तो इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास 8 छोटे नीडल और 8 बड़े नीडल मिल जाएंगे। और मार्केट में इसका प्राइस 20 से 30 है, ये सब 30 के ऊपर का है, 20-30 उस रेंज में है। जैसे आपका हुक साइज़ बढ़ता है ये प्राइस भी बढ़ता है। और अगर हैंडल है तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, कोई कोई तो 80-100 तक भी जाता है एक नीडल का। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे हम इसको एक नीडल का 30 का प्राइस ले लेंगे तो भी ये 400 के पास आ जाएगा, 400 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, हाँ 480 के आसपास आ जाएगा। तो अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो इसका प्राइस जो मैंने लिया था 530, ये जो प्राइस है 530 वो मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी डिस्काउंट के हिसाब से डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर आप प्राइस वाइज देखेंगे तो मुझे लगता है ये सेट बहुत अच्छा है। और अगर आप बिगनर है, आपको स्टिचेस सब पता है और आप अपना कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो ये सेट बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप चाहें तो इसको ख़रीद सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। आपने भी ऐसा कोई सेट ख़रीदा है और आपका एक्सपीरियंस जो भी है वो आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, क्योंकि जब भी कोई देख रहा है तो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल हो जाएगा। इसके अलावा अमेज़ॉन में जो है एक और प्रोडक्ट का मैं ख़रीदने वाली थी, वो सिर्फ नीडल का है, उसका रिव्यू बहुत अच्छा आया था, तो मैंने इस बार नहीं ख़रीदा है, क्योंकि मुझे उसमें ये जो एक्स्ट्रा फिटिंग्स है वो नहीं आ रहा था। तो मुझे कुछ स्टिच मार्कर्स और थोड़े नीडल्स चाहिए थे, इसीलिए मैंने ये सेट लिया है। उसका भी बहुत अच्छा रिव्यू है। ये दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लगा दूंगी, आप देख लीजिए। और अगर आप में से किसी ने भी ये सेट और या दूसरा सेट जो कंप्लीट नीडल का सेट है वो ख़रीदा था और आपका एक्सपीरियंस जो भी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना, साथ ही मुझे बता देना कमेंट में कि आप किस तरह के पैटर्न्स इस चैनल में देखना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
तब तक के लिए बाय, थैंक यू।